शाहरुख खान और कतर को लेकर बॉलीवुड के दिग्गज सेलिब्रिटीज का चौंकाने वाला रिएक्शन आया है। 8 भारतीय नेवी ऑफिसर की कतर से रिहाई में शाहरुख खान का नाम सुनकर पूरा बॉलीवुड किंग खान की जमकर तारीफ कर रहा है। बॉलीवुड के दिग्गज कहते हैं, कतर यूएई जैसे सभी अरब देशों में शाहरुख खान का बहुत बड़ा पावर है। अगर इसमें शाहरुख खान का थोड़ा सा भी इन्वॉल्वमेंट है तो बहुत बड़ी बात है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिना वजह कोई खबर ऐसे ही नहीं चलती और शाहरुख की कतर यात्रा सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही है। कतर के प्रधानमंत्री खुद शाहरुख का स्वागत करते हैं। उसके अगले दिन ही 8 भारतीय नेवी ऑफिसर रिहा होकर इंडिया आते हैं। खबरें चल रही हैं कि भारत सरकार ने शाहरुख की मदद से कतर के जेल में बंद 8 पूर्व नेवी अफसरों को रिहा करवा दिया है। इनमें से सभी ऑफिसर भारत वापस लौट आए। शाहरुख खान की कतर यात्रा के वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर आते ही छा गई हैं। कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी ने किंग खान का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। बॉलीवुड इंडस्ट्री के बादशाह शाहरुख खान अक्सर किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं। किंग खान ने हाल ही में कतर की यात्रा की और कई कार्यक्रमों में भाग लिया। इसी से जुड़ी कुछ तस्वीरें और वीडियो अब एक्स पर ताबड़तोड़ वायरल हो रहे हैं। शाहरुख के प्रशंसक ने दोहा से किंग खान के कुछ वीडियो साझा किए हैं, जिन धमाकेदार एक्शन थ्रिल के साथ किंग खान फिर से बॉलीवुड पर कब्जा करने आ रहे हैं। इस बार एक्शन काफी बड़े लेवल पर होगा। दोस्तों, अगर मणि रत्नम शाहरुख खान फिर से साथ आएंगे तो इतिहास बना देंगे। बॉक्स ऑफिस पर ऐसा तूफान आएगा जो जवान और पठान के समय आया था। ये फिल्म जब भी आएगी रिकॉर्ड बनाएगी। इसके अलावा 3 बड़ी फिल्म शाहरुख खान के हाथ लगी है, जिनका अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। दोस्तों, शाहरुख खान के लिए पिछला साल 2023 ब्लॉकबस्टर रहा। उन्होंने अपनी सभी फिल्मों से करोड़ का बिजनेस किया और अब इसके बाद वह अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट में लग गए हैं। फिलहाल की अपडेट के मुताबिक किंग खान इस बात से बेहद खुश हैं कि उनका साल कैसा गुजरा, क्योंकि उनकी मेहनत अच्छी रही और फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही हैं। खबरों की माने तो शाहरुख खान साल 2024 के अगले महीने में 3 फिल्मों की अनाउंसमेंट कर सकते हैं।